शेयर के बदले पे ऑप्शन में ही डायरेक्टली ट्रेडिंग करना है तो मेरा क्या रेशियो बैठता है मतलब एक शेयर के सामने मैं कितना ऑप्शन लू तो मेरा सिमिलर लेवल ऑफ प्रॉफिट मैं कमा सकता हूं आई गिव यू एन एग्जांपल जैसा कि आप लोग यहां पे देख सकते हो मार्केट प्राइस ऑफ शेयर इज 510 एंड प्रीमियम ऑफ द कॉल ऑप्शन इज रुपीज जब मेरा दस से मेरा शेयर का प्राइस बढ़ रहा है तो मेरा प्रीमियम पांच से बढ़ रहा है वापस से आप लोग नोट करेंगे कि जैसा मेरा दस रुपए से यहां पे शेयर का प्राइस बढ़ा पांच रुपए से मेरा प्रीमियम बढ़ा एंड लास्ट में अगेन जब मेरा इधर दस रुपए से मार्केट प्राइस ऑफ शेयर बढ़ा पांच रुपए से मेरा प्रीमियम बढ़ा सो so यहां पे वी कैन वेरी इजिली सी दैट चेंज इन शेयर वैल्यू इज टेन बट चेंज इन प्रीमियम इज फाइव मतलब फॉर एवरी वन शेयर I require two options and that basically tells us the delta. So number of shares to be bought per option is change in value of option, which was 5 upon change in share price, which was 10. So they ye Jo mera 5 by 10 aya. Hai, इससे मुझे क्या पता चलता है यह आता है जीरो पॉइंट फाइव दिस टेल्स नंबर ऑफ शेयर टू बी बॉट पर ऑप्शन सो एक ऑप्शन के लिए पॉइंट फाइव शेयर खरीदो एक शेयर के सामने दो ऑप्शन खरीदो सो इट विल गिव यू अ डेल्टा हेजिंग चेंज इन क्या बोला है देखो इधर मेजर्स एक्सपेक्टेड मूव ऑप्शन प्राइस कैन बी एक्सपेक्टेड टू मूव फॉर वन रुपी चेंज इन अंडरलाइंग सिक्योरिटी और इंडेक्स दस रुपए से मेरा शेयर प्राइस चेंज होता है पांच रुपए से मेरा ऑप्शन का प्रीमियम चेंज होता है इसको अपन लोग फॉर्मूला वाइज भी लिख सकते हैं यहाँ पे देखो सी यू माइनस सी डी अपॉन यूएस माइनस डीएस यूएस मतलब ऊपर गया तो शेयर का प्राइस से फाइव ट्वेंटी नीचे आया फाइव टेन एंड ऊपर जब फाइव ट्वेंटी है तो इट इज फोर्टी अदरवाइज थर्टी फाइव फाइव बाई टेन थियोरी में आता है एक रुपए का चेंज इन माई ऑप्शन प्राइस एंड सॉरी एक रुपए का चेंज इन माइ शेयर रिजल्ट इन हाउ मच चेंज इन प्राइस ऑफ माई ऑप्शन प्रीमियम यहां पर एक रुपए का शेयर प्राइस चेंज पॉइंट फाइव मेरा ऑप्शन का प्राइस चेंज होता है सो नंबर ऑफ शेयर ऑप्शन पॉइंट फाइव चेंज इन वैल्यू और प्रीमियम ऑफ ऑप्शन अपॉन चेंज इन शेयर प्राइस डेल्टा डन नेक्स्ट वेगा अब एक मैंने डेल्टा पे टाइम इसीलिए डाला ताकि बाकी सब फटाफट होते जाए वेगा विल रिप्रेजेंट द स्टैंडर्ड मतलब रिस्क में जो चेंज है ऑफ माय सिक्योरिटी एंड उसके सामने मेरा ऑप्शन वैल्यू में क्या चेंज आ रहा है तो सेंसिटिविटी ऑफ ऑप्शन ड्यू टू चेंज इन वोलेटिलिटी विच इज नथिंग बट दिविएशन ऑफ द रिस्क चेंज इन ऑप्शन प्राइस गिवेन अ वन परसेंट पॉइंट चेंज इनैिलिटी ठीक है सो एक परसेंट से मेरा अगर स्टैंडर्ड डिविएशन चेंज होता है तो उसकी वजह से मेरे ऑप्शन के वैल्यू पे क्या इंपैक्ट आता है एक रुपए से अगर मेरा शेयर प्राइस चेंज होता है तो उसकी वजह से मेरे ऑप्शन प्राइस पे क्या इंपैक्ट आता है थीटा टाइम

एक स्टैंडर्ड डिविएशन में चेंज होने की वजह से मेरे ऑप्शन वैल्यू में ऑप्शन प्रीमियम में क्या चेंज आता है ऑप्शन के प्रीमियम में क्या चेंज आता है ऑप्शन प्राइस टू चेंज इन इंटरेस्ट रेट इंडिकेट्स हाउ मच ऑप्शन प्राइस इज एक्सपेक्टेड टू चेंज इन रिस्क फ्री इंटरेस्ट रेट सो इफ एन ऑप्शन पोर्टफोलियो एज अ रो ऑफ थ्री मतलब एक परसेंट से अगर मेरा इंटरेस्ट रेट चेंज होगा वैल्यू ऑफ ऑप्शन विल चेंज बाय एंड लास्ट है इज कॉल्ड एज डेल्टा 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 ऑफ सो में कितना चेंज है सो so, पे से है वैसे ही और एक मेरा डेल्टा आएगा सो डेल्टा में कितना चेंज है एंड इसकी वजह से मेरा प्राइस ऑफ स्टॉक में क्या चेंज है सो प्राइस ऑफ स्टॉक में जो चेंजेस है उसकी वजह से डेल्टा में जो चेंजेस आता है रिप्रेजेंटेड बाय गैमा So, अगर मेरे को यहां पे लिखना हो तो मैं लिख सकता हूं पांच चीजें मेरे पास है डेल्टा चेंज इन शेयर प्राइस की वजह से चेंज इन ऑप्शन वैल्यू आर रियर क्लियर यस सर फिर बाद में आता है बेगा खुद से लॉजिकली अभी करो चेंज इन स्टैंडर्ड डिविएशन और इसकी वजह से क्या इंपैक्ट आएगा चेंज इन ऑप्शन वैल्यू फिर बाद में वेगा के बाद थीटा, राइट right? सो so, थीटा टाइम चेंज इन टाइम और इसकी वजह से चेंज इन ऑप्शन वैल्यू फिर बाद में रो आर एच ओ अगर इंटरेस्ट में चेंज आया तो उसकी वजह से चेंज इन ऑप्शन वैल्यू क्या चेंज आ रहा है एंड लास्ट इज दाम चेंज इन प्राइस ऑफ शेयर और उसका इंपैक्ट ऑन डेल्टा डेल्टा कितने से मेरा चेंज हो रहा है अगर ये एमसीक्यू में आए तो जरूर याद रख